गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम इस वीडियो में रेशियो चैप्टर के आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये बैंक लेवल और एसएससी लेवल दोनों को लेके ही साथ में चल रहा हूँ, और भी अदर एग्जाम है वो तो छोटे वाले जो एग्जाम है वो तो निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। मेन तो ये है, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो, उसकी जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो समझ में आ जाए, जो बेसिक ट्रिक है अप्लाई कर रखी है, जो जितनी मुझे आती है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा, मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन हमें इन ए मिक्स is 2:1, sorry. How much fraction of mixture must be drawn off and substituted by water? कुछ जो मिक्सर है वो निकाल लिया जाता है और उस मिक्सर की जगह पे वाटर फिल कर दिया जाता है, ठीक है जी। So that the ratio of milk and water in the mixture become 5:3। देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें गिवन है 2:1, ठीक है। कुछ पार्ट उस मिक्सर का निकाल लिया जाता है, दोनों में से निकाल लिया जाता है, मिल्क में से भी, और मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद जितना पार्ट निकाला उसी में उतना ही वाटर डाल दी, तो रेशियो तो सेम रहेगा, है ना। रेशियो थोड़ी चेंज हुआ है भाई, कुछ जो मिक्सर है वो निकाल लिया जाता है, ठीक है जी, उसके बाद वाटर ऐड कर दिया जाता है, तो मिल्क का रेशियो तो भाई वही रहेगा, लेकिन जो वाटर का रेशियो वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो नया मिक्सर जो रेशियो आया वो क्या आया, 5:3 आया, पहले वाला था 2:1, एक मिक्सर निकालने के बाद ये वाटर फिल करने के बाद का रेशियो, है ना। तो अब हमें क्या है, मिल्क यहाँ पे वाटर ज्यादा बढ़ा है ना, तो मिल्क तो कांस्टेंट ही है, मिल्क थोड़ी ना कुछ डाला है उसमें। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक हमारी कोई भी बकेट है, उसमें इतना भाई मिल्क और वाटर है। अब मैंने एक मग लिया और वो दोनों वो भर के निकाल के रख दिया, यहाँ जो रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा ना, क्वांटिटी निकली है दोनों की बराबर निकली है उसमें, हमें नहीं पता उसमें भाई कितना दूध है कितना पानी है, निकाल लिया है, लेकिन जो रेशियो वो तो सेम। फिर मैंने इस मग की जगह पानी फिल कर दिया, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या मिल्क जो रेशो मिल्क का और वाटर का दोनों का निकाला था ना, वहां पे सिर्फ मैंने पानी डाल दिया, पानी की क्वांटिटी बढ़ी है, जो मिल्क है यहाँ पे जो बचे थे वाटर और मिल्क वो तो सेम ही थे ना, उसमें फिर मैंने पानी डाल दिया, तो मिल्क तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, वाटर जो है वो बढ़ा है, वही चीज यहाँ पे है। जो रेशियो आया है नया उसमें क्या है, हमारा वाटर बढ़ा है, तो मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क सेम करना है तो यहाँ पे रेशियो में मिल्क सेम कर लो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 आ गया, मिल्क हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे वाटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो जो नया आएगा उसमें मिल्क हमारा कॉमन हो जाएगा और जो वाटर का रेशियो है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 और 3:2 = 6 आ जाएगा, कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा जब पानी ऐड किया तो, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड हाउ मच फ्रिक्शन ऑफ मिक्सर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, एक 1/16 कितने में से, 16 में से, जो नया रेशियो है उसमें से ही ना, 10+6 कितना हो गया, 16, 1/16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस इज डिवाइड अमोंग इतने में, ए बी और तीन बंदों में, इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड इतना एंड देयर शेयर वुड बी, मतलब यहाँ पे ईच की बात कर रहा है, सबको तीनों को 25-25 लेस मिला, ओके, देयर शेयर वुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ओके, शेयर उनका बता दिया इस इतने रेशियो में है, फाइंड द हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय सी। तो देखो अमाउंट ये थी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो तीन बंदे थे, इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड इतना लेस, तो तीनों अगर 25-25 लेस करते हैं, उनको मिलता है कम, तो कितना हो गया टोटल 75, तो इनको मिलनी थी इतनी, इसमें से 75 माइनस कर दिया, कितना बचा, 600 रुपए बचे। अब जो 600 रुपए है वो इनको तीनों को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 1:2:3 में, तो टोटल कितना हो गया इनका अमाउंट का रेशियो का, 6 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, तो कितना आ गया 600, कि ये अमाउंट टोटल इन तीनों में तो मल्टीप्लाई डिवाइड होनी ना। अब यहाँ पे पूछा कितने से, सी का पूछा ना, तो सी हमारा ये सी का रेशियो क्या है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 300 आ गया, 300 आ गया। अब इसने पूछा है, फाइंड द हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय सी, देखो उसको मिलने तो कितने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे उसको 25 लेस कर दिए थे, अगर उसको 25 लेस नहीं करते तो कितने मिलते, 325 रुपए उसको मिलते। ये एग्जाम में ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, अगर ये पूछ रहा है कि भाई विदाउट लेस, मतलब जो बाद में जो रेशियो आ रहा है मैं अगर उसको लेस करके नहीं मिलते तो कितने मिलते, 125 और लेस करके मिलते रेशियो में भी वो कितने मिलते, 300। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना एग्जाम में। उसके बाद ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो लेस किया है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में किया और कुछ नहीं है यहाँ पे। द सम ऑफ रुपीज दिस इज डिवाइड अमंग ए बी सी, सो दैट इफ वी डिक्रीज 15 रुपीज फ्रॉम शेयर ए से इतना, बी से कितना 30 और सी से कितना 50 रुपीज, देन द रेशियो बिकम ये रेशियो जिसमें इन तीनों को अमाउंट मिलेगी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए का पूछ लिया है। तो वही चीज है, ए बी सी तीनों को इतना लेस मिला, कितना हो गया टोटल 95, 95 इसमें से जो अमाउंट थी जो इनमें डिवाइड होनी थी उसमें माइनस कर दिया, कितना आ गया
2400 है ना। अब ये जो 2400 है ये इन तीनों में डिवाइड होनी है, तो इन तीनों का जो रेशियो कितना है, 3:2:7 कितना हो गया, 12 जो है वो टोटल आ गई। तो टोटल कितनी है, हमें जो अमाउंट डिवाइड करनी है वो है 2400, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने पूछा क्या, ए का शेयर पूछा है, ए का पूछा है, तो एक 200 से 3 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 600, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूछ ले कि भाई जो लेस किया वो भी प्लस करके बताओ, तो इसमें ए को कितना लेस किया है 15, तो ये हो जाएगा 615। ठीक है, दोनों आप आंसर देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई इसमें शॉर्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप डेफिनेशन देख लो इसकी, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर ये है ना, 45 लीटर ऑफ मिक्सर दोनों में से, मतलब मिल्क में से भी और वाटर में से निकल रहे हैं, ठीक साथ निकल रहे हैं ना। उसके बाद 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, नाउ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर बिकम 4 लीटर मोर देन द वाटर, देन व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। देखो भैया, लेट कर लेते हैं, 5x मिल्क हो गया और उसके बाद रेशियो में 4x हमारा वाटर हो गया। अब यहाँ पे इसने बोला कि भाई जो 45 लीटर है वो दोनों में से निकल रहा है ना, तो पहले अलग अलग में से निकाल लेते हैं 5x, और फिर यहाँ पे कर देंगे माइनस कर रहे हैं 45। अब वो कितने में से, टोटल में से निकल रहा है ना, मिल्क में से भी तो निकल रहा है ना, टोटल मिल्क है जो। अब जो ये 45 लीटर ये टोटल में से निकल रहा है, तो मिल्क वाले पोर्शन से कितना निकल रहा है, जो मिल्क का रेशियो है उसमें से निकलेगा। उसके बाद 4x, और यहाँ पे वाटर का क्या है, वाटर का भी वही केस, 45 इंटू में कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है, क्योंकि ये टोटल हो गया 5 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो ये 9 है ये कैसे आया, 5 + 4 तो 9 आ गया है ना टोटल। और उसके बाद ये बोल रहा है, नाउ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सर बिकम 4 लीटर मोर देन वाटर। तो यहाँ पे मैं आगे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर ये जो 4 लीटर है ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 5x माइनस में इसको पानी में, यहाँ पे 45 9 से कितना कट जाएगा 5 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और सॉरी रेशियो 4x ये कट जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा, इतना तो हमने सोल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में देखो, इसने बोला 15 लीटर वाटर ऐड किया गया है। देखो जो मिक्सर निकाला ना 45 लीटर, वो इक्वल ऐड नहीं किया, उतनी अमाउंट का वाटर ऐड कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे क्या किया, 15 लीटर कर दिया, कम किया है, तो 15 लीटर वाटर ऐड किया, तो वाटर में ऐड कर देंगे हम 15 लीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तो मिल्क का आ गया, ये वाटर की हमने अलग अलग डेफिनेशन सोल्व कर ली। अब इसको सोल्व कर लो, 5x माइनस में 25 ये हो जाएगा 4x माइनस में 5, तो इसमें से गया तो x इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 25 में से माइनस का 25 गया, कितना माइनस का 5 गया, कितना बचेगा 20। अब यहाँ पे एक चीज था, एक स्टेप था, यहाँ पे इसने बोला 4 लीटर मोर देन वाटर। अब जो ये वाटर की क्वांटिटी थी ये वाली, इससे 4 लीटर जो मिल्क है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 कर देना था, तो 4 करने देना था, तो भैया ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करते तो ये 29 हो जाता ना, 29 माइनस का होता है तो ये इधर जाता, तो फिर कितना बचता, 29 में से 5 माइनस कर दो 24 बचेगा, तो यहाँ पे 24, समझ में आया ना आपको 24 कैसे आया, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया जो 4 है, इसने ज्यादा बोला ना, 29 हो गया माइनस का, और ये 29 जब इधर जाएगा सोल्व करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 24। अब इसने इनिशियल क्वांटिटी बोली है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 5x प्लस में 4x, टोटल में कितना हो गया 9x, 9 इंटू में x की वैल्यू में पता है 24 कितना आ जाएगा 16, ठीक है 216 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक सा था ये, हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, क्योंकि 5x जो रेशो था 5x प्लस में 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 9x, 9x हो गया, तो 9 इंटू में x की वैल्यू हमने रख दी 24 जो हमने निकाली, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनना है एग्जाम में, नहीं का, लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से इसको कर लोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बस लास्ट है इस वीडियो में। ये पैसे और ये रुपीस डिवाइड किए जाते हैं 3 फ्रेंड्स में, सच दैट 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट फ्रेंड ओके एंड इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सेकंड और 8 टाइम इज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय थर्ड फ्रेंड, फाइंड देयर शेयर। तो ए बी सी 3 फ्रेंड है। अब यहाँ पे बोला 4 टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट फ्रेंड, तो 4A, उसके बाद 6 टाइम अमाउंट रिसीव्ड बाय सेकंड फ्रेंड 6B, क्योंकि हमने जो फ्रेंड है उनको ABC नाम रख दिया ना, और जो थर्ड है उसने 8 टाइम लिया तो 8C हो गया, इज इक्वल टू x रिसीव्ड बाय टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय थर्ड फ्रेंड एंड देयर शेयर, ठीक है जी, x रख दिया इक्वल टू। अब हमें सोल्व करना है, इसको LCM से सोल्व करेंगे है ना, एलसीएम से सोल्व करेंगे तो इसको रेशियो में लेके आएंगे ना। एलसीएम हमने ले लिया इनका 4 का 6 का 8 का, कितना आ गया 4 का 6 का 8 का 24। अब 24 इनके नीचे 24 से डिवाइड करेंगे ना इनको। अब ये क्या है 24 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ गया, 24 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा,
ओके और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6, 4 और 3, तो रेशो आ गया हमारा रेशो में। ये चीज आप देख लेना, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, हम स्कूल टाइम ही पढ़ते थे कि एलसीएम लेके कैसे रेशो में चेंज करना है जब ऐसे गिवन हो में डाटा। रेशो में क्या आ गया, 6 रेशो 4 रेशो और 3, इनका टोटल कितना हो गया 13। 13 की वैल्यू में गिवन कितनी है 559, तो इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 43 से तो हमारी वैल्यू ये आएगी। ये कैलकुलेशन आपको बेसिक है, हाथ से करनी है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। पूछा क्या है, फाइंड देयर शेयर, सबका शेयर पूछा है, तो इन रेशो में मल्टीप्लाई कर दो 43 की 43 की 43 की, ये ए का शेयर आ गया, ये बी का शेयर आ गया, ये सी का शेयर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, सलमान डिवाइड ये रुपीज अमोंग 3 सन्स, ठीक है, उसके 3 बेटे, दैट 3/2 times ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट पर्सन पर्सन, और ऐसे ही 4 टाइम सेकंड के लिए बोल दिया, और 4/3 times थर्ड पर्सन के लिए बोल दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ फर्स्ट सन और इसका जो दूसरा बच्चा है उसके बीच में जो डिफरेंस है शेयर का वो बताना है। तो 3/2 पहले बच्चे के और दूसरा में 4b और थर्ड में 4/3c। अब जो एलसीएम लेंगे वो हम इनका लेंगे न्यूमरेटर का, ठीक है, नीचे वाले का नहीं लेंगे, ये डिनोमिनेटर होते हैं। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12 आ गया, एलसीएम 12 आ गया तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लो भाई, ए को यहाँ पे 12 में ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 2/2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, उधर जाएगा। तो अरे यार इतना भी देखो, ये 12 इक्वल टू है ना एलसीएम, तो जब हम ए को यहाँ रखेंगे तो 12 ये नीचे से घूम के इधर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, काट दो 312, सारी वैल्यू काट दोगे यहाँ ए की भी बी की भी सी की भी, तो हमारा क्या आएगा रेशो 8:3:9, और इनका रेशो का प्लस कितना हो जाएगा टोटल 20 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है ये वाली 8200 410 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8200 करके देख लो ना 2 × 4 = 8, ठीक है। अब इसने पूछा है ए फर्स्ट बच्चे का और सेकंड बच्चे के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, तो भाई डिफरेंस कितना है 8 और 3 में कितना 5 का डिफरेंस, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 410 से तो हमारा आ जाएगा 2050, ये हमारा डिफरेंस आ गया फर्स्ट और सेकंड सन के शेयर में, तो यही था हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो थोड़े से लंबे खिंच गए हैं क्वेश्चन, टाइम ज्यादा लगा देता हूं मैं बताने में, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।